हाई एवरी वन माई निम शबाना आई एन बैक विद अ न्यू वीडियो सो आई वेलकम ऑल टू द माई यूट्यूब चैनल जॉब कर एंड ऑन जॉब कर यू विल फाइंड वीडियोज रिलेटेड टू जॉब अपडेट एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड वीडियोज ऑन जॉब प्रिपरेशन विच इज़ एनी जॉब गवर्नमेंट और प्राइवेट सो आज का जो वीडियो है वो है एक जॉब रिलेटेड और ये जॉब है एक्सेंचर से सो so, हम आ, बात करते हैं सीधे जॉब के बारे में तो ये जो है इसका रोल है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट इस रोल के लिए ये जॉब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं तो इसमें ऑल स्ट्रीम्स और ब्रांचेज ऑफ बीएससी बीसीए बीए बीकॉम एंड बीबीए जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पा, पास आउट हो गए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं बात करें तो देयर शुड बी नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग तो आपको कोई भी बैक नहीं होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में गैप इन एजुकेशन सो यू आर अलाउड मैक्सिमम वन ईयर गैप इन एजुकेशन जो कि या तो टेंथ के बाद हो और टिल दी कंप्लीसन ऑफ ग्रेजुएशन तो एक साल से ज़्यादा का गैप आपके पूरे एजुकेशन पीरियड में नहीं होना चाहिए अप्लाइड फॉर असेंचर सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट और असमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट थ्री मंथ तो अगर आपने लास्ट थ्री मंथ में एक्सेंजर के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है या इंटरव्यू के लिए आप प्रोसेस नहीं हुए हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब वर्क परमिट द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया आइदर बाय सिटीजनशिप और भूटान एंड नेपाल नेशंस कैन वर्क इन इंडिया विदाउट अ नीड ऑफ फॉर ऑप्टेनिंग वर्क वीजा ऑल अदर फॉरन नेशनल्स रिक्वायर वर्क वीजा और एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओ सी आई और पर्सन ऑफ इंडिया और पी आई ओ कार्ड टू वर्क इन इंडिया सो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो इंडिया के नहीं है तो बात करते हैं असमेंट डिटेल्स की सो इफ़ यू आर एलिजिबल अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई किया करते हैं देन यू विल रिसीव एन ई मेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असमेंट वन मोर थिंग ये अससमेंट ऑनलाइन होगा आपको आपके घर पर बैठ के या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप ये असमेंट दे सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम सेंटर पर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है सो so, आपको एक मेल रिसीव होगा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए एंड असेसमेंट इज शेड्यूल्ड इन टू स्टेट स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन शेड्यूल्ड टाइम वो आपको एक टाइम देंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है मॉक असेसमेंट की बात करें तो यू विल गेट अ टेन मिनट मॉक और प्रैक्टिस असेसमेंट मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट सो यू नीड टू है गेट दी मॉक असमेंट डन उससे एक्सेंचर uh, जो है आपका लैपटॉप uh, या डेस्कटॉप का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये सब कुछ चीज़ें चीज़ चेक करेंगे एंड द मॉक असमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ दी असिसमेंट आपको पता भी चलेगा कि आगे का असमेंट जो मेन असमेंट है वो कैसा होने वाला है आपका बात करते हैं मेन असमेंट की तो उसमें होगा सबसे पहले कॉगनेटिव असेसमेंट सो यू विल गेट फिफ्टी मिनट्स टू कम्प्लीट दिस असेसमेंट एंड कॉगनेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स फिफ्टी क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्सट्रैक्ट रीजनिंग ये तीनों टॉपिक आपको काग्नेटिव असेसमेंट में पूछे जाएंगे एंड कॉग्नेटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन फाइव टू टेन मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन यू आर एडवाइज टू रिमेन इस

टेक्निकल असेसमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे टेक्निकल असेसमेंट कंपलसरी नहीं है ये एक ऑप्शनल असेसमेंट है इससे आपको एलिमिनेशन नहीं मिलेगा बट अगर आप टेक्निकल असेसमेंट देते हैं तो आपके आपका जो एवरेज स्कोर है कॉगनेटिव और टेक्निकल का वो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं तो आप में उसके आगे जाने के अच्छे चांसेस चांसेस बन सकते हैं सो यू विल गेट फोर्टी मिनट्स टू कम्पलीट द टेक्निकल असेसमेंट कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड सो आपको यहाँ से uh, चार टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल असिस्मेंट में थर्ड असिस्मेंट होगा कम्युनिकेशन असिमेंट The duration of this assessment is approximately uh, 30 minutes. You will receive a separate email with timelines and login details to participate in this assessment. And communication assessment will access you uh, on the below mentioned parameters, which are uh, sentence mastery, vocabulary, fluency, and pronunciation. बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट पूरा इंग्लिश पर बेस्ड होगा आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है प्रोनाउंसिएशन कैसा है सेंटेंस मास्टरी बोकैबलरी ये सब चीजें आपकी कैसी हैं एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट विल बी कंपलसरी बात करते हैं मॉक असेसमेंट की तो इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट आपका आ, मशीन जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको इसको देना पड़ेगा आप मोबाइल या टैबलेट यूज नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज टेन और विंडोज एट होना चाहिए ब्राउजर की बात करें तो सिक्योर एग्जाम ब्राउजर मैंडेटरी होगा गूगल क्रोम ब्राउजर वर्जन एटी प्लस इज मैंडेटरी एंड अप टू फाइव लेटेस्ट वर्जन कंसीडर्ड नॉट बीटा वर्जन बीपीएन और प्रॉक्सी शुड बी डिसेबल तो आपके लैपटॉप में अगर बीपीएन और प्रॉक्सी है तो आप उसको डिसेबल करेंगे वीडियो ऑडियो की बात करें तो बैबकैम और माइक मैंडेटरी होगा तो जिस भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें बैब कैम और माइक, माइक्रोफोन होना चाहिए रैम की बात करें तो फोर जी बी प्लस होनी चाहिए प्रोसेसर की बात करें तो आई थ्री फिफ्थ जनरेशन टू पॉइंट टू गी का हट और इक्विवेलेंट और हायर कुकीज और पॉपअप्स आपको सारे इनेबल करने पड़ेंगे एंड यू शुड हैव अ स्ट्रोंग इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विच इज टू एम ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके सिस्टम में तभी आप मॉक असेसमेंट और मेन असमेंट दे पाएंगे और अगर आपको और कोई डाउट है आ, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे ये वाले आइकन पे जाके आप चैट भी कर सकते हैं एक्सेंचर वालों से ओके okay. तो ये रही जॉब की बात अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तो ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक आपको ऐसा विंडो दिखेगा आपको क्या करना है ये इन्होंने दे रखा है कि आपको अपना नाम वगैरह कैसे डालना है अपना फोटो कैसे अपलोड करना है तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए देन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट वैन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन आपको यहां पर देखेगा जॉब रोल है इसका सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट सोर्स डिटेल्स आपको जॉब के बारे में किधर से पता चला वो डालना पड़ेगा आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी सारी ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स डालनी है प्रोफेशनल डिटेल्स डालनी है स्किल्स डिटेल्स डाल लिया लाइक आपका प्राइमरी स्किल्स सेकेंडरी स्किल्स क्या है अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कर रखा है अगर आपने तो वो डालनी है प्रेफर्ड जॉब लोकेशन डालना है लाइक और ऑल ओवर इंडिया आपका प्रेफर्ड लोकेशन क्या है अगर आप जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं तब अदर डिटेल्स जो भी ये मांगेंगे वो डालनी पड़ेंगी आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है एंड गवर्नमेंट फोटो आई कार्ड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डिसेबिलिटी अगर आप डिसेबल हैं तो उसको सेलेक्ट करिए एंड डिक्लेरेट करना पड़ेगा कि आप अपने ये सारी जो डेटा प्राइवेसी और ये जो इन्होंने नोट लिख रखे हैं यहाँ पर सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं आप एग्री कर, से, कर से, करते हैं उनकी कंडीशंस के साथ uh, रजिस्टर हो जाएंगे इस जॉब के लिए और कंपनी आपके साथ आपकी ईमेल आई पर जो आपने रजिस्टर कर रखी है कम्युनिकेट करेगी और आपको एग्जाम लिंक वहां पर मिल जाएगी सो ऑल फॉर टुडेज वीडियो मैं अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी सो हो ऑल आर लाइक इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई फॉर दी जॉब एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो दैन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज वी Upload videos almost every day related to job updates. So, if you are a job seeker, then please share, like, and hit the bell icon so you never miss any update. Thank you.